हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दबुक काय, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो है मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी सैलानी बंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी, मन्नू ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते और अपने साथ सुलाते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से अधिक प्रिय वस्तु न थी। जीवनदास उसके लिए गेंद लाया था। मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। उसके भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उचके के लिए छप्पर में एक रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ न रख दी जाए वह भोजन न करता। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शोल के और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। वह नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शक वृंद तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मानकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल इतनी मनोहर थी कि दर्शक लोटपोट हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वो सबको सलाम करते थे, लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर पैसे वसूल करता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता था। इसके उपरांत कोई मन्नू को एक अमरूद खिला देता, कोई उसके सामने मिठाई फेंक देता। लड़कों का तो उसे देखते ही जीना भरता था। वे अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर रोटियां लाते और उसे खिलाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए भी मन्नू मनोरंजन की एक सामग्री थी। जब वह घर पर रहता तो एक नए आदमी आकर उससे खेलता रहता। खोचे वाले फेरी करते हुए उसे कुछ न कुछ देते थे। जो बिना दिए निकल जाने की चेष्टा करता उससे भी मन्नू पैर पकड़कर वसूल लिया करता था, क्योंकि घर पर वह खुला रहता था। मन्नू को अगर चिढ़ थी तो कुत्तों से। उसके मारे उधर से कोई कुत्ता ना निकलने पाता था, और कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही दो चार कनेठियाँ और झापड़ लगाता था। उसके सर्वप्रिय होने का यह एक और कारण था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो मन्नू उसके सिर की जुएं निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहाँ कहीं जाती थी वही मन्नू उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्री में भी इससे अधिक प्रेम न हो सकता था। एक दिन मन्नू के जी में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। फल खाने को तो मिलते थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उचकने, कुछ खाने और कुछ गिराने में कुछ और ही मज़ा था। बंदर विनोदशील होते ही हैं, और मन्नू में इसकी मात्रा बहुत अधिक भी थी। कभी पकड़ धकड़ और मारपीट की नौबत ना आई थी। पेड़ों पर चढ़कर फल खाना उसे स्वाभाविक जान पड़ता था। यह न जानता था कि वहाँ प्राकृतिक वस्तुओं पर भी किसी न किसी की छाप लगी हुई है। जल, वायु, प्रकाश पर भी लोगों ने अधिकार जमा रखा है। फिर बाग बगीचों का तो क्या ही कहना। दोपहर को जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तो मन्नू लंबा हुआ। वह यूँ भी मोहल्ले में चले जाया करता था, इसलिए किसी को संदेह न हुआ कि वह कहीं चला गया। इधर घूमता वह उधर घूमता, खरपेलों पर उछलता कूदता एक बगीचे में जाग पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए थे। आमलों, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह लटते देख उसका चित्त प्रसन्न हो गया। मानो वे वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि आओ खाओ, जहां तक खाया जाए वहां तक खाओ, यहां किसी को रोक टोक नहीं है। तुरंत एक छलांग मारकर चार दीवारी पर चढ़ गया। दूसरी छलांग में पेड़ों पर जा पहुँचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियाँ खाई। खुश हो होकर गुठलियाँ इधर उधर फेंकना शुरू किया। फिर सबसे ऊंची डाल पर जा पहुंचा और टहनियों को हिलाने लगा। पके आम जीवन पर बिछ गए। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही न थे, या वह सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों को बचा लेता था। बीच बीच में बागबान को दांत निकाल कर डराता भी था, कभी मुँह बनाकर उसे काटने की धमकी देता था। माली बंदर घुड़कियों से डरकर भागता था और फिर पत्थर लेकर आ जाता था। यह कौतुक देखकर मोहल्ले के बालक जमा हो गए और शोर मचाने लगे।
ओ बंदरवा लोए लाए बाल उखाड़ू टोए टाए, ओ बंदर तेरा मुंह है लाल पिचके पिचके तेरे गाल, मर गई नानी बंदर की टूटी टांग मुछंदर की। मनु को इस शोरगुल में बड़ा आनंद आ रहा था, वह आधे फल खा खा कर नीचे गिरा रहा था और लड़के लपक कर चुन लेते और तालियां बजा बजा कर कहते, बंदर मामू और कहाँ तुम्हारा ठौर। माली ने जब देखा कि विप्लव शांत होने में नहीं आता तो जाकर अपने स्वामी को खबर कर दी। वह हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, सुनते ही आपे से बाहर हो गए, बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचावे। बंगले का किराया मैं देता हूँ, कोई बंदर नहीं देता। यहाँ कितने ही असहयोगियों को लदवा दिया, अखबार वाले मेरे नाम से कांपते हैं, बंदर की क्या हस्ती है। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुँचे। देखा मन्नू पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था, लाल हो गए और उसी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। उस पर आज तक किसी ने बंदूक नहीं तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज़ सुनी थी, चिड़ियों को मारे जाते देखा था, और न देखा होता तो भी बंदूक से उसे स्वाभाविक भय होता। पशु बुद्धि अपने शत्रुओं से स्वतः सशंक हो जाती है। मन्नू के पांव मानो सुन्न हो गए, वह उछल कर किसी दूसरे वृक्ष पर भी न जा सका, उसी डाल में डुबक कर बैठ गया। साहब को उसकी कला पसंद आई, दया आ गई, माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ लो। माली दिल में तो डरा, पर साहब के गुस्से को जानता था, चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और हजरत बंदर को एक मोटी रस्सी से लाया। मन्नू साहब को बरामदे में एक कंभे से बांध दिया। उसकी स्वच्छंदता का अंत हो गया। संध्या तक वहीं पड़ा हुआ करुण स्वर में कूं कूं करता रहा। सांझ हो गई तो एक नौकर उसके सामने एक मुट्ठी चने डाल गया। अब मन्नू को अपनी स्थिति के परिवर्तन का ज्ञान हुआ। न कंबल न टाट, जमीन पर पड़ा भिसुर रहा था, उसे चने छुए भी नहीं गए। पछता रहा था कि कहाँ से फल खाने निकला। मदारी का प्रेम याद आया, बेचारा मुझे खोजता फिरा होगा, मदारिन प्याले में रोटी और दूध लिए मुझे मन्नू मन्नू पुकार रही होगी। हाँ विपत्ति, तूने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा। रात भर वह जागता और बार बार खंभे के चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार डराता और भौंकता था। मन्नू को उस पर ऐसा क्रोध आता कि पाँव तो मारे चपेतों के चौंधियाँ दूँ, पर कुत्ता निकट ना आता, दूर से ही गरज कर रह जाता। रात गुजरी तो साहब ने आकर मन्नू को दो तीन ठोकरें जमाई। सुअर रात भर चिल्ला चिल्ला कर नींद हराब कर दी, आँख तक न लगी। बच्चा आज भी तुमने गुल मचाया तो गोली मार दूंगा, यह कहकर वह चले गए। अब नटखट लड़कों की बारी आई, कुछ घर के और कुछ बाहर के लड़के जमा हुए। कोई मन्नू को मुँह चिढ़ाता, कोई उस पर पत्थर फेंकता और कोई उसको मिठाई दिखाकर ललचाता था। कोई उसका रक्षक न था, किसी को उस पर दया न आती थी। आत्मरक्षा की जितनी क्रियाएं उसे मालूम थी सब करके हार गया। प्रणाम किया, पूजा पाठ किया, लेकिन इसका उपहार यही मिला कि लड़कों ने उसे और भी दिक करना शुरू किया। आज तक किसी ने उसके सामने चने भी न डाले, और यदि डाले भी तो वह खा न सकता। शोक ने भोजन की इच्छा न रखी थी। संध्या समय मदारी पता लगाता हुआ साहब के घर पहुंचा। मन्नू उसे देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंबे को खिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है, यह तो पशु है, मुझे चाहे जो सजा दीजिए पर इसे छोड़ दीजिए, सरकार यही मेरी रोटियों का सहारा है, इसके बिना हम दो प्राणी भूखे मर जाएंगे। इसे हमने लड़के की तरह पाला है, जब से यह भागा है मदारिन ने दाना पानी छोड़ दिया है, इतनी दया कीजिए सरकार, आपका इकबाल सदा रोशन रहे, इससे भी बड़ा ओहदा मिले, कलम चाक हो, मुद्दई बेनकाब हो, आप हैं सपूत, सदा रहे मजबूत, आपके बेरी के दाबे बूत। मगर साहब ने दया का पाठ न पढ़ा था, घुड़क कर बोले, चुप कर पाजी, टैं टैं करके दिमाग चाट गया, बच्चा बंदर छोड़कर भाग का सत्यानाश करवा डाला, अब खुशामत करने चले हो, जाकर देखो तो इसने कितने फल खराब कर दिए, अगर इसे ले जाना चाहता है तो 10 रुपये लाकर मेरी नज़र कर, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़, यह तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा या कोई इतने दाम देकर ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया, 10 रुपये कहाँ से लाता। बुधिया से जाकर हाल कहा,
बुधिया को अपनी तरस पैदा करने की शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। बोली, बस देख ली तुम्हारी करतूत, जाकर लाठी सी मारी होगी। हकीमों से बड़े दांव पेच की बातें की जाती है, तब कहीं जाकर वे पसीजते हैं। चलो मेरे साथ, देखो मैं छुड़ा लाती हूँ कि नहीं। यह कहकर उसने मन्नू का सब सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के पास आई। मन्नू अब की इतनी जोर से उछला कि खंभा हिल उठा। बुधिया ने कहा, सरकार हम आपके द्वार पर भीख मांगने आए हैं, यह बंदर हमको दान दे दीजिए। साहब, हम दान देना पाप समझते हैं। मदारिन, हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गावेंगे। साहब, हमें जस की चाह या परवाह नहीं है। मदारिन, भगवान आपको इसका फल देंगे। साहब, मैं नहीं जानता भगवान कौन बला है। मदारिन, महाराज क्षमा की बड़ी महिमा है। साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। मदारिन, हुजूर आप हाकिम हैं, हाकिमों का काम है न्याय कराना, फलों के पीछे दो आदमियों की जान न लीजिए, न्याय ही है, हाकिम की बड़ाई होती है। साहब, हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं है, और न ही न्याय करना हमारा काम है, हमारा काम है मौज करना। बुधिया की एक भी युक्ति इस अहंकार मूर्ति के सामने न चली। अंत को निराश होकर वह बोली, इतना हुक्म तो दें कि ये चीज़ें बंदर के पास रख दूँ, इन सब पर यह जान दे देता है। साहब, मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं है। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। टॉमी ने देखा, मन्नू कुछ बोलता नहीं तो शेर हो गया, भोंकता भोंकता मन्नू के पास चला आया। मन्नू ने लपक कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर निकल आए और मन्नू के कई ठोकरे लगाए। नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने को मत दो। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मन्नू को बंधे हुए रोनी सूरत बनाए बैठे देखा तो पास आकर उसे पुचकारा। मन्नू उछल कर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने तमाशे के लिए बंदर की ज़रूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु मन्नू को शीघ्र ही विदित हो गया कि यहाँ मैं और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवारे को सौंप दिया। रखवाला निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का प्राणी था, उसके अधीन और भी कई बंदर थे, सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने मन्नू का सहर्ष स्वागत नहीं किया, उसके आने से उनमें बड़ा कोलाहल मचा। अगर रखवाले ने उसे अलग न रखा होता तो वे सब उसे नोच कर खा जाते। मन्नू को अब नई विद्या सीखनी पड़ी, पैर गाड़ी पर चलना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर दो टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएँ थी। मन्नू को यह सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ती, जरा भी चूकता तो पीठ पर दंडा पड़ जाता। उससे अधिक कष्ट की बात तो यह थी कि दिन भर एक कटघरे में बंद रखा जाता था जिसमें कोई उसे देख न ले। मदारी के यहाँ तमाशा ही दिखाना पड़ता था, किंतु उस तमाशे और इस तमाशे में बड़ा अंतर था। कहाँ वे मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका दुलारा और उसका प्यार, और कहाँ यह कारावास और डंडों की मार। ये काम सीखने में उसे इसलिए और भी देर लगती थी कि वह अभी तक जीवनदास के पास भाग जाने के विचार को भूला न था। नित्य इसकी ताक में लगा रहता कि मौका पाऊं और निकल जाऊं। लेकिन वहां जानवरों पर बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती थी, बाहर की हवा तक न मिलती, भागने की तो क्या बात। काम लेने वाले सब थे मगर भोजन की खबर लेने वाला कोई भी न था। साहब की कैद से मन्नू जल्द छूट गया था, लेकिन इस कैद से 3 महीने बीत गए, शरीर घुल गया, नित्य चिंता घेरे रहती थी, पर भागने का कोई ठीक ठिकाना न था। जी चाहे या न चाहे उसे काम अवश्य करना पड़ता था, स्वामी को पैसे से काम था, वह जिए चाहे मरे। संयोगवश एक दिन सर्कस के पांडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब जुआरी थे, दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते और लड़ाई झगड़ा करते थे। इन्हीं झंझटों में एक गैस की नली फट गई, हाहाकार मच गया, दर्शक वृंद जान बचाकर भागे, कंपनी के कर्मचारी अपनी चीज़ें निकालने लगे, पशुओं की किसी को खबर न रही, सर्कस के बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते रहे।
दो शेर, कई चीते, एक हाथी, एक रीछ थे। कुत्तों, घोड़ों तथा बंदरों की संख्या तो इससे कई ज़्यादा अधिक थी। कंपनी धन कमाने के लिए अपने नौकरों की जान को कोई चीज़ नहीं समझती थी। ये सब के सब इस जीव इस समय तमाशा देखने के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे चिल्ला चिल्ला कर भागे। मनु भी भाग खड़ा हुआ, पीछे फिरकर भी न देखा कि पांडाल जला या बचा। मनु कूदते फांदते सीधे घर पहुंचा, जहां जीवनदास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। वह स्थान जहां वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीपकर साफ रखती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर चढ़कर कूदा करता था, दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेटा रहता। वह दिन भर मोहल्ले में घुमा करता था, कोई कुछ दे देता तो खा लेता, मगर किसी को कोई चीज़ नहीं छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहाँ मुझसे अवश्य लेने आएगा। रातों को उसके कहराने की करण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था, इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चिथड़ा कमर में लपेटे, सिर पर बाल छिटकाए, भूतनियों की तरह चली आ रही है, और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाँक लगाते, तालियां बजाते चले जा रहे थे। वह रह रहकर रुक जाती है और लड़कों से कहती, मैं पगली नानी नहीं हूँ, मुझे पगली क्यों कहते हो? आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो? उसे लड़कों पर लेश मात्र भी क्रोध न आता था। वह न रोती थी न हंसती थी, पत्थर लग भी जाता तो चुप हो जाती थी। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती? तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, कपड़े जाड़े सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा, इतने साधु संन्यासी नंगे रहते हैं, उनको पत्थर से क्यों नहीं मारते? लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों के लिए ही है? मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़का, तुझे जो कोई जो कुछ देता है उसे तू खा लेती है, तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा, भूख लगती है पेट भर लेती हूँ। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं है? किसी के हाथ की चीज खाते घिन नहीं आती? बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा, मैं भूल गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बता दूं घिन किसे कहते हैं? दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों हाथ से फेंक देती है? कोई कपड़े देता है तो क्यों छोड़कर चल देती है? पगली नहीं तो क्या है? बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर क्या करूं बेटा? लड़का, और लोग क्या करते हैं? पैसे रुपए का लालच सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं बेटा, मैं भूल गई। लड़का, इसी से तुझे पगली नानी कहते हैं, तुझे न लोभ है न घिन है न विचार है न लाज है, ऐसों को पागल ही कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूँ। लड़का, तुझे क्रोध क्यों नहीं आता? बुढ़िया, क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। क्या किसी को क्रोध भी आता है? मैं तो भूल गई। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत स्वभाव से आगे निकल गई। जब वह निकट आई तो मन्नू ने उसे पहचान लिया, यह तो मेरी बुढ़िया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंककर मन्नू को देखा, पहचान गई, उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुढ़िया को अनुभव हुआ कि मैं नग्न हूँ। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी, बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़का, तुझे तो लाज नहीं आती थी ना? बुढ़िया, नहीं बेटा अब तो आ रही है, मुझे न जाने क्या हो गया था। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंक कर लड़कों को मारना शुरू किया, उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध ना आता था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया, क्या जाने क्यों बेटा, अब क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुढ़िया ने वह कपड़ा पहन लिया, बाल समेट लिए
उसके मुख पर जो एक अमानुष आभा थी उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रोकर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारी सुध न ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधारा। मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगी। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी। तुम्हारे जाते सब इच्छाएं लुप्त हो गई। अकेली भूखी तो सताती थी, पर संसार में और किसी की चिंता न थी। तुम्हारा मदारी मरा पर आँखों में आंसू ना आए। वह खाट पर पड़ा कहराता रहता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर का हो गया था कि उसकी दवा दारू कौन करे। उसके पास खड़ी तक न होती थी, सोचती थी यह मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पगली हो गई थी, और लड़कों ने मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। यह कहकर बुधिया को लिए हुए शहर के बाहर एक बाग में आ गई, जहां वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहां छोटी सी पुआल थी, इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का कोई और चिन्ह न था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और नकले करता, भीख मांग मांग कर बुधिया के खाने भर का अनाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा न करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उन पैसों से बुधिया खाने भर की चीज़ें, अनाज बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर का वह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह बंदर नहीं, कोई देवता है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सैलानी बंदर। किस तरह एक बंदर ने अपना प्रेम अपनी माँ के, अपनी मालकिन बुधिया के प्रति कभी नहीं छोड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो, ये ऑडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी कहानियाँ मैं आपके लिए जल्द लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।